हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई और अपने अपने फोकस बना के रखे हैं। तो चलिए, आज हम आपके लिए लेकर आ गए हैं एक और नया वीडियो, जिसमें हम लोग जो है कि ग्वार की कल्टीवेशन के बारे में पढ़ेंगे, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्लस्टर्ड बीन भी कहते हैं। ये हमारी फसल, हमारी जो कि लेगुमिनस क्रॉप से बिलोंग करती है और हमारी एक सब्ज़ी का एक महत्वपूर्ण जो है कि पार्ट है। ठीक है, इसको हम लोग फोलियज क्रॉप की तरह भी यूज़ करते हैं, ग्रीन क्रॉप की तरह भी यूज़ करते हैं और सीड इसकी जो है ड्राई भी यूज़ होती है। इसको हम लोग ग्रीन मैन्योर की तरह भी यूज़ करते हैं। कभी कभी क्या होता है कि ग्वार से हम लोग गम भी निकालते हैं, ग्वार से हम लोग गम भी एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो ये है हमारी ग्वार की नॉर्मल, हम लोग इंट्रोडक्शन आपसे कर रहे हैं। बात करेंगे हम लोग, आगे चलेंगे और अपने पूरे इस वीडियो में हम लोग इसका डिटेल कल्टीवेशन, डिटेल इसका लेक्चर हम लोग आज देखने वाले हैं। तो चलिए बिना देर किए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए विजिट कर रहे हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस अच्छी लग रही हो तो अपने दोस्तों से शेयर करना ना भूलें। तो एक और न्यूज़ है, अगर आप हमारे एफ सी आई कोर्स को ख़रीदना चाह रहे हो तो आपको केवल 999 में हम प्रोवाइड करा रहे हैं कम्प्लीट नोट्स, जो कि सिलेबस बेस्ड है, प्लस जो है कि आपको वीडियो लेक्चर प्लस पीडीएफ प्रोवाइड करे जाएंगे और आपको जो है कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी आपको वहां पे कंसीडर करे जाएंगे। तो चलिए बिना देर किए हमें कमेंट करिए हमारे। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पे हमें मैसेज करिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, सबको पता है ग्वार के बारे में, तो ग्वार की हम कल्टीवेशन के बारे में अच्छे से आज डिटेल स्टडी करेंगे। ये है आपका ग्वार बीन। ठीक है, ग्वार और ग्वार बीन भी इसे बोलते हैं, क्लस्टर बीन भी बोलते हैं। ठीक है, ये नुकीली और क्लस्टर्ड में उगती हैं। ठीक है, इनका जो ब्रांच के साथ इनका जो अटैचमेंट होता है ये एकदम ऐसे होता है, एक साथ ऐसे अटैचमेंट होता है, ये चीज़ ध्यान रखेंगे। बात करते हैं क्लस्टर बीन की और साइंटिफिक नेम, ठीक है, फैमिली प्लस उसके जो है कि सेंटर ऑफ ओरिजिन और वैरायटी वगैरह के बारे में हम लोग इस स्लाइड में डिस्कस करते हैं। बात करते हैं पहला जो है कि हमारा जो कि साइंटिफिक नेम है इसका, ये हो जाता है हमारा सेमोप्सिस टेट्रागोनोलोबा। ठीक है, टेट्रागोनोलोबा, सेमोप्सिस टेट्रागोनोलोबा, ये जो है कि इनकी साइंटिफिक इनका नेम है। बात करेंगे फैमिलीज की, तो ये जो कि फैबिएसी और लेगुमिनेशियस की फैमिली हो जाएगी। बात करेंगे कितना क्रोमोसोम नंबर होता है, तो क्रोमोसोम नंबर हमारा 14 होता है, हमारे क्लस्टर बीन में हमारा क्रोमोसोम नंबर 14 होता है। सेंटर ऑफ ओरिजिन ऐसे तो सर्टेन नहीं है, ऐसा कुछ डिसाइडेड नहीं है। ठीक है, बट इसका जो सेंटर ऑफ ओरिजिन सपोज़ किया जाता है, ठीक है, ये सपोज़ जो सेंटर ऑफ ओरिजिन जो सपोज़ किया गया है वो हमारा जो है कि इंडिया और अफ्रीका कंसिडर किया जाता है। ये है हमारी सेंटर ऑफ ओरिजिन हमारी क्लस्टर बीन और ग्वार के बारे में। बात करेंगे वैरायटी कौन कौन सी होती हैं, तो हमारी कुछ खास वैरायटियां नहीं होती हैं, बट जो हैं वो उसको यहाँ पे कंसीडर किया गया है। तो वैरायटी हमारी पहली वैरायटी होती है पूसा मौसमी इसकी पहली वैरायटी है। ठीक है, दूसरी वैरायटी हमारी है पूसा नौ भारत इसकी दूसरी वैरायटी है। और तीसरी वैरायटी है हमारी गोमा मंजरी इसकी जो है कि हमारी इम्प्रूव वैरायटी है। और हमारी जो है कि पूसा सदाबहार, ये जो है कि कुछ पॉपुलर इसकी वैरायटी जो कि हमारी एज अ ग्रो की जाती हैं। ठीक है, बात करेंगे हम लोग जैसे कि कुछ वैरायटी हैं जैसे IC11704। ठीक है, IC11388 ये जो है कि उतनी पॉपुलर तो नहीं है कुछ, बट ये इम्प्रूव वैरायटी हैं जो कि हमारी ग्वार के लिए यूज़ की जाती हैं। आगे चलते हैं, आगे है कुछ हम लोग इसके बेनिफिट्स पढ़ेंगे कि ग्वार बीन्स के बेनिफिट्स क्या है। देखिए, मैंने जैसे एज अ कंसीडर किया था यहाँ पे, जैसे आपको बताया था कि ये जो होते हैं ना गुच्छे में होते हैं, ठीक है, ये हमारे स्टेम के साथ एकदम डायरेक्टली अटैच होते हैं और एकदम एक साथ गुच्छे में होते हैं, तो इनके में जो है कि डाइट्री फाइबर बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, और हमारे हार्ट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। ठीक है, दिल की हेल्थ के लिए, ठीक है, वो जो है कि बहुत अच्छा होता है, हृदय के लिए बहुत ही अच्छा ये माना जाता है।
बात करेंगे कि ये डायबिटिक पेशेंट के लिए भी बहुत अच्छा माना जाता है, क्योंकि इसमें जो है कि ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत कम होता है और हमारे जो है कि फाइबर इसमें ज़्यादा होते हैं, फाइबर काउंट इसमें ज़्यादा होता है ग्वार में। ठीक है, तो पहला हमारा हार्ट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है, दूसरा हमारा जो है कि हाई फाइबर के लिए होता है। कमेंट करके बताइए कि हमारा वर्ल्ड हेल्थ डे कब सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, एज अ हेल्थ की बात हो गई, वर्ल्ड हेल्थ डे कब सेलिब्रेट करते हैं? ठीक है, कमेंट करके बताइए। आगे चलते हैं, अगला हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि सॉइल कौन सी कैसी होनी चाहिए हमारे क्लस्टर बीन के बारे में। क्लस्टर बीन्स के लिए जो है कि हमारी सॉइल जो है कि सैंडी लोम होनी चाहिए, प्लस हमारा पीएच जो है 7.5 से 8 होना चाहिए। जो हमारा पीएच है वो 7.5 से 8 हमारा इसके पीएच होना चाहिए। और क्लाइमेट कैसा चाहिए होता है? तो क्लाइमेट वार्म क्लाइमेट चाहिए होता है। ये हमारी जो है कि इसके क्लाइमेट के बारे में हो गया। और जो है कि ये हमारी क्रॉप की स्पेशलिटी ये है कि ये सैलिनिटी को टॉलरेट कर सकते हैं। ठीक है, कितना सैलाइन सॉइल है वो टॉलरेट यहाँ पे ये कर सकते हैं। बात करेंगे कि सोइंग के बारे में, सोइंग जो है कि हमारा कैसा होना चाहिए, तो कब होना चाहिए, तो ये जुलाई जून से जुलाई और नवंबर से अक्टूबर में हम इसकी सोइंग कर सकते हैं। ठीक है, इसकी सोइंग हमारी जो है जून से जुलाई और अक्टूबर से नवंबर कर सकते हैं। बात करते हैं सीड रेट की, तो सीड रेट हमारा जो है कि 10 किलो सीड हमारा पर हेक्टेयर के लिए रिक्वायर्ड होता है। और हम बात करेंगे कि फील्ड की प्रिपरेशन कैसी होनी चाहिए, तो जो है कि फाइन टिल्थ बनना चाहिए, अच्छे से जुताई होनी चाहिए, गहरी जुताई हमारी खेतों की होनी चाहिए, और हमारे रिजेस और फरों के जो बीच में डिस्टेंस होनी चाहिए वो हमारी जो है कि 45 सेंटीमीटर दूर होनी चाहिए। ठीक है, एक दूसरे से दूर होनी चाहिए, ये फसल हमारी रिजेस पर लगती हैं। आगे चलते हैं, तो ये है हमारी ग्वार बीन्स। ठीक है, देखिए ये बहुत ही अच्छे से ये स्टेम पे ऐसे लगी पड़ी हैं और अच्छी फसल ये हमारी ग्वार बीन्स की हैं। और ये लीफ हमारी जो है कि ट्राईफोलिएट लीफ होती है। ठीक है, जिसमें तीन होते हैं, तीन हमारे बेल में भी होते हैं। ठीक है, कमेंट करके बताइए कि बेल का साइंटिफिक नेम क्या है। ठीक है, साइंटिफिक नेम या फिर बोटैनिकल नेम क्या होता है हमारा बेल का। आगे चलते हैं, सीड ट्रीटमेंट की बात करेंगे, तो यहाँ पे एक प्रोसेस और अपनाया जाता है, जिसको कि सीड ट्रीट करने के बाद इसको जो है कि सुखाते हैं 15 से 30 मिनट हम अपने धूप, इसको ड्राई सेड करते हैं। ठीक है, ड्राई करते हैं सेड में। ठीक है, धूप में नहीं, छाए में इसको सुखाते हैं। ये सीड ट्रीटमेंट के बाद का प्रोसेस है। सीड ट्रीटमेंट करेंगे हम राइजोबियम से। ठीक है, 600 ग्राम लेंगे पर हेक्टेयर सीड को जो है कि हम वहाँ से ट्रीट कर देंगे हम राइजोबियम से। और जो है कि हम राइजोबियम के साथ जो है कि राइस एज अ ग्लू एज अ बाइंडर यूज़ करेंगे। ठीक है, राइस का ग्रुवेल जो होता है ये हम यहाँ पे बाइंडर की तरह यूज़ करेंगे। सोइंग की बात करते हैं, तो सोइंग हमारा जो है कि डिबलर की हेल्प से यूज़ करते हैं। सोइंग में डिबलर यूज़ करते हैं यहाँ पे सीड को बोने के लिए। ठीक है, और जो है कि रिजेस में लगाते हैं लगभग 15 सेंटीमीटर दूर। ठीक है, एक दूसरे के बीच में डिस्टेंस जो होता है। तो इरिगेशन की बात करेंगे यहाँ पे, तो इरिगेशन जो है कि हम सोइंग के तुरंत बाद दे देते हैं, प्लस हम जो है कि वीकली इंटरवल पे फॉलो करते हैं इरिगेशन में। और अगर हम बात करेंगे कि रिक्वायरमेंट है, कैसी क्लाइमेट है, उसके हिसाब से भी हम इरिगेशन अपने फॉलो करते हैं। आगे चलते हैं, आगे हम लोग जो है कि एप्लीकेशन ऑफ फर्टिलाइज़र की बात करेंगे। एप्लीकेशन ऑफ फर्टिलाइज़र में जो है हम बात करेंगे फॉर्म याड मैन्योर हम जो है कि 25 टन यूज़ करेंगे। एजोस्पिरिलम एंड फॉस्फोबैक्टीरिया जो है कि हम 2 kg पर हेक्टेयर यूज़ करेंगे। ये हम फर्म यार्ड मैन्योर और फॉस्फोबैक्टीरिया और एजोस्पिरिलम ये जो है कि हम इनको जो है कि हम क्या करते हैं, इनको हम यूज़ करते हैं एट द टाइम ऑफ प्लाइंग। ठीक है, जुताई के टाइम ही हम यहाँ पे यूज़ करते हैं इनको। ठीक है, ठीक है, मतलब बुआई से लगभग एक हफ्ते, मिनिमम एक हफ्ते पहले हम यहाँ पे इसको यूज़ करते हैं। और हम जो है कि नाइट्रोजन 25 किलो, फॉस्फोरस 50 किलो और पोटास जो है 25 किलो हम लोग इसको देते हैं एज अ बेसल डोज। प्लस नाइट्रोजन टॉप ड्रेसिंग के लिए भी यूज़ किया जाता है 30 दिन बाद। तो ये रही हमारी फर्टिलाइज़र की एप्लीकेशन के बारे में। आगे चलते हैं, ये है हमारी ग्वार बीन्स, हमने देख ली है, ये है इसकी सीड। ठीक है, ये बहुत पॉपुलर वैरायटी, पॉपुलर फसल तो नहीं है, पॉपुलर वेजिटेबल तो नहीं है, बट यहाँ पे इसकी ये जो सीड जो कि डिबलर की हेल्प से बुआई करते हैं हम लोग यहाँ पे, ये चीज़ ध्यान रखेंगे डिबलर का यूज़ करते हैं। सीड को राइजोबियम से ट्रीट करते हैं, राइजोबियम से ट्रीट करने के बाद हम लोग डायरेक्ट बुआई नहीं करते हैं इसको, जो है कि हम सेड में छाया में सुखा करके तभी जो है इसको हम यूज़ करते हैं। आगे चलते हैं, आगे हम लोग बात करेंगे प्लांट प्रोटेक्शन
प्लांट प्रोटेक्शन मेजर्स प्लस हमारी डिजीज़ और हम जो है कि इल्ड की बात करेंगे अपने। प्लांट प्रोटेक्शन में हम लोग पेस्ट की बात करेंगे तो लीफ हॉपर, एफिड्स, ग्लास हाउस और वाइट फ्लाई, ये हमारे जो है कि कुछ पेस्ट हैं जो हमारे प्लांट को अफेक्ट करते हैं। लीफ हॉपर को कंट्रोल करने के लिए हम स्प्रे करते हैं मिथाइल डिमेटॉन, ठीक है, और डाइमेथियोट जो है हम यूज़ करते हैं यहाँ पे इसको कंट्रोल करने के लिए लीफ हॉपर को, ठीक है। लीफ हॉपर को कंट्रोल करने के लिए स्प्रे करते हैं मिथाइल डिमेटॉन और डाइमेथियोट जो है हम यूज़ करते हैं। एश वीविल की बात करेंगे तो एश वीविल को जो है कि हम कंट्रोल करने के लिए फोसालोन का जो है यूज़ करेंगे यहाँ पे एश वीविल को कंट्रोल करने के लिए। लीफ स्पॉट की बात करेंगे तो लीफ स्पॉट को कंट्रोल करने के लिए हम क्या करेंगे, मैंगोजेब का छिड़काव करेंगे, ठीक है, मैंगोजेब का छिड़काव करेंगे लीफ स्पॉट को कंट्रोल करने के लिए। आगे आता है हमारा पॉट बोरर, तो पॉट बोरर हमारा जो है कि पॉट पे जो है फली जो होंगी उसको नुकसान करेगा, ठीक है, ये जो है पॉट को क्या करेगा हमारे छेद भेद देगा, ठीक है, तो इससे क्या होगी उसकी मार्केट वैल्यू कम हो जाती है और हमारी जो है कि ग्वार का जो इकोनॉमिक वैल्यू है वो कम हो जाएगी और हमारी जो है कि वो खाने लायक नहीं रहेगी। तो पॉट बोरर को कंट्रोल करने के लिए हम जो है कार्बाइल का छिड़काव वहाँ पे करेंगे, ठीक है, या फिर क्विनिल फॉस को भी हम यूज़ कर सकते हैं पॉट बोरर को कंट्रोल करने के लिए। अगला जो डिजीज़ है, डिजीज़ हमारी पाउडरी मेल्ड्यू लेग्यूमिनस क्रॉप है, तो वहाँ पे पाउडरी मेल्ड्यू जो है वहाँ पे होता है, तो पाउडरी मेल्ड्यू को कंट्रोल करने के लिए वेटेबल सल्फर या फिर हम जो है कि सल्फर का छिड़काव करेंगे। इल्ड की बात करेंगे तो इल्ड जो है कि हमारा 5 से 7 टन पॉड हमारा मिलता है यहाँ पे 90 दिन के बाद, ठीक है, 1-3 महीने बाद जो है हमारा आपको जो है यहाँ पे 5 से 7 टन पॉड हमारा प्रति हेक्टेयर यहाँ पे आपको ऑब्टेन होता है। तो ये रही हमारी आज की वीडियो, कैसी लगी वीडियो प्लीज़ हमें कमेंट करिए, और नेक्स्ट क्रॉप आपकी वेजिटेबल के लिए आपको कौन सी चाहिए प्लीज़ कमेंट करके बताइए, और वीडियो कैसी लग रही है वो ज़रूर कमेंट करिए, और हमारी जो है कि आपको किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, किस वेजिटेबल की ज़्यादा रिक्वायरमेंट है वो हमें बताइए, और बाकी आप हमारे प्लेलिस्ट देखिए, आपको बहुत सारी वेजिटेबल आपको कवर कर ली गई हैं। तो चलिए, और आप जो है हमारे डिफरेंट सोशल मीडिया पे भी हमें फॉलो कर सकते हैं, जैसे टेलीग्राम पे आपको फॉलो करना ही करना है, बिकॉज यहाँ पे आपको टेलीग्राम पे आपको जो है एग्रीकल्चर NGK से आप वहाँ पे सर्च करिए, और आपको जो वहाँ पे आपको वहाँ पे हम प्रोवाइड कराते हैं PDF प्लस जो है कि डिफरेंट जॉब की जो है कि हमें नोटिफिकेशन वहाँ पे दी जाती है, अलग अलग PDF शेयर किए जाते हैं, प्लस आपको जो है कि जितनी भी क्लास होती हैं उसकी इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ पे दी जाती है ग्रुप में। तो चलिए, थैंक यू सो मच।